एपिसोड की शुरुआत में सुयू और वूबी कॉलेज से वापस आ रहे थे। तभी सुयू की नज़र अपनी माँ पर पड़ती है जो उन दोनों का इंतज़ार कर रही थी और उसके फेस पर एक स्माइल थी, पर सुयू उन्हें इग्नोर करता है। जिसे देखकर सुयू की माँ यानी शाओसेन को याद आता है कि सुयू ने उनसे कहा था, अगर आपने मेरी फैमिली को फिर से हैरिस किया तो मैं वूबी को स्टैचू के बारे में सच बता दूंगा। जिसे सोचकर वो वापस अपने घर में अंदर चली जाती हैं। हालांकि सुयू की नज़र उन पर ही थी। रात भर सुयू अपनी माँ के बारे में ही सोच रहा था। अगली सुबह उसे वूबी के कज़िन यानी मोई का कॉल रिसीव होता है। सुयू सोचने लगता है कि वो मुझे क्यों कॉल कर रहे होंगे। मोई फ़ोन पिक करते ही सुयू से कहता है, स्टोर की प्रिपरेशन कैसी चल रही है और तुम लोगों को लोकेशन अच्छी तो लगी ना। जिसे सुनकर सुयू को अंदाज़ा हो जाता है कि ज़रूर स्टोर के लिए वूबी ने ही अपने भाई से कहा होगा। वो इस बारे में बात करने के लिए अपने फादर के पास जाता है, पर झाओ और उसके फादर दोनों ही स्टोर के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, इसलिए वो उनसे कुछ नहीं कह पाता। वो वापस आता है तो वो भी अपने बेड पर सोया हुआ था और वो स्टैचू को उठाता है जो वूबी की माँ ने बनाया था, जो सुयू का ही स्टैचू था। आखिरकार वो अपनी माँ से बात करने का प्लान करता है और उनके पास मिलने के लिए पहुँच जाता है। शाओसेन उसे देखकर बहुत खुश होती है। वो सुयू से कहती हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो सुयू कहता है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। शाओसेन उसे लंच के लिए अंदर ले जाती हैं। सुयू के फादर और मिस झाओ अपने स्टोर में सारे सामान रखी रहे थे। तभी वूबी और दुओ वहाँ पहुँचते हैं। दुओ कहती है, मॉम, ब्रदर ने मेरे लिए टेलीस्कोप खरीदा है। झाओ कहती है, तुम दोनों अकेले क्या कर रहे हो? सुयू कहाँ है? तो वूबी कहता है, उसने कहा कि उसे कुछ काम है तो वो जल्दी चला गया। उधर शाओसेन सुयू को लंच सर्व कर ही रही थी, तभी सुयू कहता है, मैं आपसे कुछ पूछने आया हूँ, आप वूबी की माँ के डेथ के बारे में क्या क्या जानती हैं? शाओसेन कहती है, अगर मैं तुमसे कहूँ कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? सुयू, तुम स्मार्ट हो, तुम खुद ही सोचो, उस वक्त मेरा स्टेटस क्या था? मैं बस एक मामूली सी सिंगर थी और वूबी की माँ जो इतनी बड़ी फैमिली से थी, उनका बैकग्राउंड इतना अच्छा था, क्या मैं उनका कुछ भी कर सकती थी? और अगर वू का और मेरा उस वक्त कोई रिश्ता होता, वो इतना बड़ा रिस्क कभी नहीं उठा सकते थे। वो अपनी वाइफ की फैमिली से कभी झगड़ा मोल नहीं लेते और ऐसा कुछ नहीं करते कि उनका बेटा उनसे ही नफरत करने लगे। सुयू को याद आता है कि वूबी ने एक बार उससे कहा था, मेरे डैड के पास आज जो भी कुछ है वो मेरी माँ की फैमिली की वजह से है, उन लोगों ने ही मेरे डैड की बहुत मदद की है। शाओसेन कहती है, मैं सच कह रही हूँ, उस वक्त मेरे और वू के बीच में कुछ भी नहीं था। सुयू कहता है, फिर ऐसा क्या हुआ जो वो भी आपसे इतनी नफरत करने लगा? शाओसेन कहती है, मेरा विश्वास करो सुयू, अगर उस वक्त मेरा और वू का कोई रिश्ता होता भी तो हम 6 साल बाद जाकर क्यों शादी करते? अगर मेरा उन पर इतना ही प्रभाव होता कि वो मेरे लिए अपनी वाइफ और बच्चे को छोड़ सकते हैं, तो वो अब क्यों मुझे घर में अकेला छोड़कर मुझसे हमेशा दूर रहते? दो और वो भी साथ में बैठे हुए थे। दो अपने नए टेलीस्कोप से आसमान की तरफ देख रही थी। तभी दो पूछती है, ब्रदर, क्या आपको अपनी मॉम की याद आती है? मैंने सुना है कि लोग मर जाने के बाद तारा बन जाते हैं, क्या आपको पता है कि इन तारों में से आपकी माँ कौन सी होंगी? वो भी कहता है, हाँ, मैंने बहुत पहले ही एक तारे को अपनी माँ मान लिया था और मैं अक्सर उस तारे को देखा करता हूँ। दो ऊपर की तरफ इशारा करते हुए कहती है, फिर उस तारे को मैं अपने डैड का नाम दूंगी। वो भी कहता है, क्या तुम अपने डैड को मिस करती हो? दो कहती है, नहीं, मैं बस उन्हें कंसीडर करती हूँ कि वो मर चुके हैं। टीचर ने क्लास में कहा था कि एक इंसान की लाइफ चाहे कितनी भी क्यों ना हो, पर वो वैल्यूएबल होनी चाहिए। कुछ लोग जिंदा होते हैं पर वो मर चुके होते हैं, और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मर चुके हैं पर हमारे दिल में वो जिंदा हैं। इसलिए ब्रदर, आप स्ट्रांग रहिए, आपकी माँ हमेशा आपके साथ है। वो भी उसे गले लगाते हुए कहता है, तुम सच में मेरी स्ट्रांग लिटिल एंजल हो। वो भी सुयू से पूछता है, तुम आज कहाँ गए थे? तो सुयू कहता है, मुझे हान बोक्यांग को कुछ देना था। वो भी उससे कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है? वो भी कहता है, क्लास में सब लोग कहते हैं कि मेरा एक पोकर फेस है जिससे कुछ पता नहीं चलता, एक्सप्रेशनलेस फेस, फिर तुम कैसे कह सकते हो कि मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है? वो भी कहता है, क्योंकि वो सब लोग तुम्हारे साथ उतना समय नहीं बिताते जितना मैं बिताता हूँ, मैं तुम्हारे चेहरे को अच्छे से पढ़ सकता हूँ। तभी सुयू उससे कहता है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में, तुम्हें बताने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? वो भी कहता है, अगर कोई और पूछता तो शायद प्रॉब्लम होती, पर तुम पूछ सकते हो। सुयू कहता है, तुम इस बात को लेकर क्यों श्योर हो कि मेरी माँ तुम्हारे डैड के पीछे पड़ी थी?
वो भी कहता है, मेरे पेरेंट्स की हमेशा से एक अच्छी रिलेशनशिप रही है, पर जब से तुम्हारी माँ उनकी लाइफ में आई वो लोग आपस में झगड़ने लगे। एक दिन तो मैंने उन दोनों को आपस में बात करते हुए भी सुना। वो बात कर रहे थे कि वो डिवोर्स ले लेंगे। सुयु कहता है, डिवोर्स? पर ये डिवोर्स की बात की किसने थी? वो भी कहता है, मेरी मॉम ने। फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब वूबी के पेरेंट्स आपस में लड़ रहे थे। वूबी ने अपने माँ के मुंह से डिवोर्स की बात सुन ली थी, जिससे वो अपने डैड से गुस्से में कह रहा था, ये सब आपकी वजह से है ना, और उस लेडी की वजह से जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं। एम्प्लॉयज़ कहते हैं कि आपका और उनका अफेयर चल रहा है। फ्लैशबैक ख़त्म होता है। अगली सुबह सुयु एक बार फिर पहुँचता है अपनी माँ से बात करने के लिए। शाओसेन हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए कहती है, तुम मुझसे मिलने मेरे घर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। सुयु कहता है, आप अपने घर को रीडेकोरेट क्यों नहीं करती? शाओसेन एक सैड वॉइस में उससे कहती है, यहाँ रीडेकोरेट करने की क्या ज़रूरत है, यहाँ का फर्नीचर काफ़ी वैल्यूएबल है और सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल है। सुयु कहता है, पर ये वो जगह है जहाँ वो दोनों रहते होंगे और एक दूसरे से प्यार करते होंगे, यहाँ की जितनी भी चीज़ हैं वो आपकी नहीं है। क्या इस तरह यहाँ रहना आपको बॉदर नहीं करता, या फिर आपको दूसरों की चीज़ों पर अपना हक जमाना अच्छा लगता है? तभी शाओसेन कहती है, तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास क्यों नहीं होता? मैंने कभी भी किसी से कुछ छीनना नहीं चाहा। शाओसेन की आंखों में आंसू थे। वो अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहती है, वैसे भी अगर मैं चाहूँ भी तब भी यहाँ कुछ नहीं बदल सकती, यहाँ हर रूम का अपना एक मास्टर है। वो मुझे यहाँ कभी भी कुछ नहीं बदलने देंगे, यहाँ के फर्नीचर की अपनी एक कहानी है और यही सब वो मेरे लिए छोड़ गए हैं। अब तो उनका यहाँ घर वापस आने का मन भी नहीं करता। सुयु कहता है, आप फिर भी उनके साथ इतनी हम्बल क्यों हैं? तो शाओसेन कहती है, क्योंकि मैं सच में उनसे प्यार करती हूँ। वो भी दुओ को एक जगह इंजॉय करने के लिए लेकर आया था और उसके साथ बहुत खेल रहा था। तभी सुयु भी वहाँ पहुँच जाता है। वो भी उससे कहता है, आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही बिजी रहते हो, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। तुम चेहरे से काफ़ी परेशान से भी दिखते हो। सुयु कहता है, ऐसा है क्या? वो जैसे ही खड़ा होता है वो भी उसे धक्का दे देता है और वो तीनों मिलकर आपस में बहुत खेलते हैं। और इसी बीच सुयु वो सारी बातें याद कर रहा था जो उसके और उसके मॉम के बीच हुई थी। उसकी माँ उससे पूछ रही थी, तुम इस इशू को इतना ज़्यादा क्यों पकड़ कर बैठ गए हो? तो सुयु कहता है, क्योंकि मैं सच का पता लगाना चाहता हूँ। वूबी की माँ की डेथ कैसे हुई मैं इस बारे में जानना चाहता हूँ। तभी सुयु की माँ कहती हैं, तुम मुझे इनोसेंट प्रूव करना चाहते हो ना सुयु? सुयु कहता है, अब ज़्यादा सोच रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर शाओसेन उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहती है, मुझे पता है तुम्हें मेरी परवाह है। सुयु अब अपनी माँ से और भी ज़्यादा मिलना शुरू कर देता है। शाओसेन उसे बताती है, मैं वू से एक पार्टी में मिली थी, मैं ट्रैवल कर रही थी तभी मैं वहाँ एक बार में रुकी। वो वहाँ अपनी बिजनेस ट्रिप की वजह से आए हुए थे और हम उस कैरियो के बार में मिले। मैं वहाँ सिंगिंग कर रही थी, मैंने गाना गाना जैसे ही बंद किया उन्होंने मुझसे मेरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मांगी। पहले मुझे लगा था कि शायद उन्हें मुझसे पहली नज़र में प्यार हो गया है, पर ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने मुझसे मेरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मांगी थी क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी एक्स वाइफ की बर्थडे पार्टी में मैं उनके लिए वही सॉन्ग गाऊँ, क्योंकि वो सॉन्ग उनकी एक्स वाइफ का फेवरेट सॉन्ग था। सुयु कहता है, अब मैं समझा। वो मन में सोच रहा था और मुझे लगता था कि मॉम ने जानबूझकर वो सॉन्ग सीखा जिससे वो किसी और के हस्बैंड को सिड्यूस कर सकें। शाओसेन कहती है, उस सॉन्ग को गाने के बाद उनकी एक्स वाइफ मुझे उसके बदले में गिफ्ट देना चाहती थी। वो मुझे अपने रूम तक लेकर गई जहाँ बहुत सारी उनकी हाथ की बनी हुई मूर्तियाँ रखी थी। तब मुझे याद आया कि तुम्हारा बर्थडे नज़दीक है, मैंने तुम्हारे फादर से तुम्हारी फ़ोटोग्राफ मांगी जिससे मैं उनसे तुम्हारी एक मूर्ति बनवा सकूं। सुयु पूछता है, इसका मतलब आप दोनों में कभी प्राइवेटली बात नहीं हुई थी? तो शाओसेन कहती है, हाँ हुई थी, पर एकदम नॉर्मल इंट्रैक्शंस था, ऐसा कुछ भी नहीं था और मेरे मन में भी उनको लेकर कुछ गलत भावना नहीं थी। पर मैं उस वक्त बहुत अकेली थी, हेल्पलेस थी और अचानक से एक हैंडसम मैन मेरे सामने आया जो सक्सेसफुल था। कौन लड़की उनके बारे में सोचना शुरू नहीं कर देगी, इसी तरह मैंने भी शुरू कर दिया। पर जब मैंने देखा कि उनकी एक्स वाइफ कितनी आउटस्टैंडिंग थी, मैंने हार मान ली थी। मुझे लगा था कि मेरे पास कोई चांस नहीं है। सुयु पूछता है, अगर आप दोनों के बीच कुछ नहीं था तो कंपनी में ये अफवाह कैसे फैलने लगी कि आपके बीच कुछ चल रहा है? शाओसेन कहती है, क्या मतलब? तो सुयु कहता है, मुझे वो भी नहीं बताया था।
उसने कहा कि उसकी माँ की डेथ से पहले कंपनी में आपके और उसके फादर के अफेयर को लेकर अफवाहें होना शुरू हो गई थी। शाओसेन कहती है, मैं उसी वक्त बीजिंग से वापस आई थी, मैं जॉबलेस थी। मिस्टर वू ने मुझे जॉब दिलवाने में मदद की। मैं उनकी कंपनी में एक रिसेप्शनिस्ट का काम करने लगी, पर उनकी एक्स वाइफ इस बारे में जानती थी, बल्कि जॉब दिलवाने में उन्होंने भी मेरी मदद की थी। सीनियर एम्प्लॉयज भी इस बारे में सब कुछ जानते थे। तुम खुद सोचो, अगर उनकी एक्स वाइफ को थोड़ा सा भी शक होता कि मेरे और वू के बीच कुछ चल रहा है, तो क्या वो मुझे गिफ्ट देना चाहती? सुयू कहता है, अगर आप दोनों के बीच कुछ नहीं था तो उन्होंने डाइवोर्स लेने की बात क्यों की? शाओसेन कहती है, डाइवोर्स की बात की? मुझे इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा। वो डाइवोर्स की बात कर ही नहीं सकती, क्योंकि उन दोनों के बीच में कभी भी कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं थी। अगर कुछ प्रॉब्लम्स होती तो शायद मुझे आज थोड़ा बेटर फील होता। तुम्हें पता है मैं उनकी एक्स वाइफ से कितनी ज़्यादा जेलस हूँ, क्योंकि वो आज भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। ये सुनकर सुयू सोचने लगता है, क्या वो भी ने गलत सुन लिया होगा? तभी सुयू की माँ कहती हैं, कंपनी में उस वक्त एक बहुत बड़ा इंसिडेंट ज़रूर हुआ था। कंपनी में सब लोग खुद को बचाने की कंडीशन में आ गए थे। मैं रिसेप्शनिस्ट थी, पर फिर भी मैं वो टेंशन फील कर सकती थी। पॉसिबल हो सकता है कि उस वक्त कंपनी के सारे अफेयर्स उनकी एक्स वाइफ देख रही थी। सुयू कहता है, क्या इंसिडेंट हुआ था? क्या हम इस बारे में इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं? शाओसेन कहती है, ये कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है। अगर मैं वू से पूछती भी हूँ, तभी सुयू अचानक उन्हें माँ बुलाता है। शाओसेन कहती है, तुमने मुझे माँ बुलाया? सन, प्लीज़ एक बार फिर मुझसे कहो। पर सुयू शांत रह जाता है। अगले दिन जब वो क्लास में था, वो अभी भी अपनी माँ के बारे में ही सोच रहा था। उसने अपनी माँ से पूछा था, फिर आप और मिस्टर वू एक दूसरे के साथ कब से रहने लगे? शाओसेन उससे कहती है, जब उनकी एक्स वाइफ की डेथ हो गई थी, वो बहुत कमज़ोर हो गए थे। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, बिजनेस अफेयर्स और जितने भी रिलेटिव्स थे, वो सबसे घिरे हुए थे। कंपनी में भी काफ़ी सारे इश्यूज थे जो उन्हें सॉल्व करने थे। उस वक्त हम दोनों में आपस में बहुत बातें हुआ करती थी। शायद उतनी बातें तो शादी के बाद इन 6 महीनों में भी हमने नहीं की होंगी। मैं उन्हें मैसेज करने लगी, उन्हें कम्फर्ट देने लगी, उन्हें एनकरेज देने लगी। शायद मेरी ये सिंसियरिटी ही उन्हें पसंद आ गई। सुयू का ध्यान क्लास में बिल्कुल नहीं था। टीचर क्वेश्चन पूछने के लिए लोगों के हाथ खड़े करवाते हैं। तभी माओचोंग सुयू से कहता है, तुम क्यों हाथ खड़ा नहीं कर रहे हो? सुयू कहता है, क्योंकि अगर मैं हाथ खड़ा करूंगा भी, तब भी वो मुझसे क्वेश्चन नहीं करेंगे। माओचोंग कहता है, तो क्या इसीलिए तुम क्लास में खोए रहते हो बिना किसी के डर के? सुयू उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। उसके दिमाग में अभी भी अपनी माँ की कहीं बातें घूम रही थी। उसकी माँ ने कहा था, मैंने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बुक्स रीड करना शुरू कर दिया है और उनकी कंपनी के एम्प्लॉयज़ से भी कॉन्टैक्ट करना शुरू कर रही हूँ। हो सकता है कि मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। आखिरकार सुयू को अपनी माँ का मैसेज रिसीव होता है, जिसमें उन्होंने लिखा था, मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई है। तभी टीचर अचानक सुयू का नाम लेते हैं और उसे क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के लिए कहते हैं। वैसे सुयू का क्लास में ध्यान बिल्कुल भी नहीं था, पर फिर भी वो पूरा क्वेश्चन पूरी क्लास को एक्सप्लेन कर देता है और माओचोंग का मुँह खुला का खुला रह जाता है। वो भी ये देखता ही रह गया था। माओचोंग सोचने लगता है, काश मेरे पास भी इतना तेज़ दिमाग होता। हैंडसम फेस तो मेरे पास है ही। अगर दिमाग भी मेरे पास होता तो नॉर्थ ईस्ट चाइना मेरे कंट्रोल में होता। क्लास के बाद सुयू वो भी से आकर कहता है, लंच पर मेरा इंतज़ार मत करना, मुझे कुछ काम है। सुयू अपनी माँ से मिलने के लिए चला जाता है। शाओसेन सुयू से कहती है, मैं नहीं चाहती थी कि ये मैटर जल्दी सुलझ जाए। सुयू कहता है, क्यों? मैटर सुलझने के बाद आपसे इल्ज़ाम हट जाएगा ना? शाओसेन कहती है, मुझसे इल्ज़ाम हटे या ना हटे, पर कम से कम इस बहाने में तुमसे बात तो कर पा रही हूँ ना? सुयू कहता है, ठीक है, अब आप सेंटिमेंटल होना बंद करिए और पॉइंट पर आइए। शाओसेन उसे एक पेपर देते हुए कहती है, ये मैटर एक्चुअली काफ़ी सिंपल है। वो की मेडिकल इक्विपमेंट कंपनी में बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई थी, उन्हें बहुत बड़ा ऑर्डर भी मिला था, पर अचानक से एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। किसी एक सप्लायर ने उनके इंस्ट्रूमेंट्स के साथ कुछ प्रॉब्लमेटिक इंस्ट्रूमेंट्स को मिक्स कर दिया। उसके बाद उन इंस्ट्रूमेंट्स को जब यूज़ किया गया तो ऑपरेटिंग टेबल पर लोगों की मौत होने लगी। सुयू वो फॉर्म देखता है जो उसकी माँ ने कहा था, वो सप्लायर का फॉर्म था। शाओसेन कहती है, शिचेंग मेडिकल इक्विपमेंट कंपनी, यही वो सप्लायर थे। सुयू कहता है, फिर ये मैटर बाद में कैसे सॉल्व हुआ?
शाओसेन कहती है, बाद में ये समझ लिया गया कि ये सब के पीछे उनकी एक्स वाइफ थी, क्योंकि उस वक्त वो डिप्यूटी जनरल मैनेजर थी। उन्होंने ही सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स को अच्छे से चेक किया था और बहुत बड़ा ऑर्डर लिया था। वो श्योर थी कि कंपनी को बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। किसने सोचा था कि आगे कुछ और ही होने वाला था। सुयु कहता है, मैंने वो भी से उसकी माँ के बारे में बहुत सुना है। उसकी माँ जिस फैमिली बैकग्राउंड से हैं और उनका जो करेक्टर है, उससे ये तो नहीं लगता कि वो क्विक सक्सेस के लिए ऐसा कुछ करेंगी। शाओसेन कहती है, शायद वो की कंपनी के लिए कुछ अच्छा ही करने की कोशिश कर रही थी, पर जो इंसिडेंट हुआ उसका रिस्पॉन्सिबल उन्हें ही बना दिया गया और फिर उनका एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद इस मैटर को वहीं ख़त्म कर दिया गया। सुयु कहता है, ये सब कुछ ज़्यादा ही कोइंसिडेंस की बात है। अचानक वो अपनी घड़ी देखते हुए कहता है, मेरी क्लास का समय हो रहा है तो मैं चलता हूँ, क्या मैं ये पेपर अपने साथ ले जा सकता हूँ? शाओसेन कहती है, हाँ बिल्कुल। अगले दिन शाओसेन कंपनी के एक और एम्प्लॉय से मिलती है। वो एम्प्लॉय कहता है, शायद एक इंसान है जो इस इंसिडेंट के बारे में आपको बता सकता है, मो रेन है, यानी वो भी का अंकल। हालांकि उससे बात कर पाना बहुत मुश्किल है, जब से वो इंसिडेंट हुआ है उसने मिस्टर वू के साथ सारे कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दिए हैं। शाओसेन पूछती है कि आपके पास उनका कॉन्टैक्ट नंबर या उनका एड्रेस है? तो वो एम्प्लॉय कहता है, हाँ है, पर मैं नहीं चाहूँगा कि आप उनके पास जाएं, क्योंकि अपनी बहन की डेथ के बाद उन्होंने वू से सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए हैं और आपका जाना तो शायद और भी डेंजरस हो सकता है। रात के वक्त वो भी धुओं के पास आता है और उसके बाद वही नोवेल रखी हुई देख लेता है जो वो स्कूल से लेकर आया था। उस नोवेल को देखने के बाद वो धुओं से कहता है, धुओं, इस नोवेल को मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। धुओं कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं वैसे भी इसे पढ़ चुकी हूँ। सुयु अपने लैपटॉप पर उसी कंपनी के बारे में सर्च कर रहा था, तभी अचानक वो भी वहाँ आ जाता है। वो भी उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी दुओ आकर कहती है, अच्छा होगा कि आप दोनों अभी के अभी जाकर डांस प्रैक्टिस करो, कल के बाद चिल्ड्रन डे होने वाला है, क्या आप भूल गए? सुयु और वो भी दोनों उठ कर जाते हैं और डांस प्रैक्टिस में लग जाते हैं। सुयु रात को अकेले बैठा सोचने लगता है, 6 साल पहले जब वो इंसिडेंट हुआ था केवल एक ही कॉम्पिटिटर थे, हाओशेंग कंपनी, और उस इंसिडेंट के वक्त उन लोगों का मार्केट में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। पर अब हाओशेंग कंपनी फिर से उठने लगी है और उनका सेम सप्लायर भी है, ये सब के पीछे कौन हो सकता है? तभी अचानक वो भी उस नोवेल को लेकर सुयु के पास आ जाता है। वो भी उसे कहता है, मेरे लिए ये नोवेल पढ़ो। तो सुयु कहता है, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे नहीं पढ़ना। यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्दी शेयर करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।